200 से ज्यादा विद्वान शोधकर्ता इतिहास के विशेषज्ञ भारत के बारे में क्या कहते रहे हैं, इनमें से कुछ विशेषज्ञों की बात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बेव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 फरवरी सन 1835 को कह रहा है, माने आज से अगर हम ये जोड़ेंगे तो लगभग 160-170 साल पहले वो ये बोल रहा है कि एक भी व्यक्ति भारत में गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, चोर नहीं है। वो ये कह रहा है, इसका माने भारत में गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, और चोरी कोई क्यों करेगा जब कोई गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है। फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है, वो कह रहा है आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैनॉट इमेजिन टू कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। क्यों? वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते, इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फिर अगले भाषण में वो बहुत लंबी बात कहता है भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के बारे में। मैं उस बात को आगे नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ प्रमाण के रूप में 2 फरवरी 1835 को दिए गए उसके भाषण के ये 2-3 वाक्य हैं जो हमारे ध्यान में आने चाहिए कि भारत में एक अंग्रेज घूम रहा है और कह रहा है कहीं गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, किसी को चोरी करने की भारत में जरूरत नहीं है। इसका माने भारत कुछ काफी समृद्धशाली देश है। फिर इसी भाषण के अंत में मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं। और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते क्योंकि गिनने की फुर्सत नहीं होती है, इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते हैं। किसी के घर में 100 किलो सोना होता है, किसी के घर में 200 किलो होता है, किसी के घर में 500 किलो होता है। इस तरह से सोने का हमारे भारत के घरों में भंडार भरा हुआ है। यह एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। उसने तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं सीधे हिंदी करके बताता हूं। विलियम डिग्बी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्व संपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था, कृषि वाला भारत नहीं था, वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था। उसके शब्द पर गौर कीजिएगा, वो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, माने दुनिया में भारत के मुकाबले उस जमाने में कोई भी देश नहीं था। और ये बात वो कब कह रहा है? 17वीं शताब्दी में वो कह रहा है, माने आज से अगर हम गिनना शुरू करें तो लगभग 300 साल पहले के भारत के बारे में विलियम डिग्बी कह रहा है कि सारी दुनिया के देशों में भारत औद्योगिक रूप से,
व्यापारिक रूप से और कृषि के रूप में सर्वश्रेष्ठ देश है, माने कृषि उत्पादन हमारा सबसे अच्छा है, औद्योगिक उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा है और व्यापार भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार हैं जो दुनिया के किसी आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं। इस वाक्य को ठीक से समझिए, वो कह रहा है कि भारत का कपड़ा, भारत की अन्य वस्तुएं दुनिया के बाजार में बिकती हैं और भारतवासी इनको सोने के बदले में बेचते हैं। माने हम कपड़ा बेचते हैं तो सोना लेते हैं, हम दूसरी वस्तुएं बेचते हैं तो सोना लेते हैं, सोने के बदले में ही भारत के व्यापारी इन वस्तुओं का विनिमय दूसरों से करते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ हैं और दुनिया में कोई भी दूसरा देश इनको बना नहीं सकता, क्योंकि इनकी कारीगरी और इनका हुनर सिर्फ भारत और भारत के ही पास है। फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है, और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है, और भारत की नदियों में पानी प्रवाहित होकर जैसे महासागर में गिर जाता है, वैसे ही दुनिया की तमाम नदियों का सोना चांदी भारत में प्रवाहित होकर भारत के महासागर में आकर गिर जाता है। और वो अपनी पुस्तक में कहता है कि दुनिया के देशों का सोना चांदी भारत में आता तो है, लेकिन भारत के बाहर एक ग्राम सोना और चांदी कभी जाता नहीं है। कारण क्या है? वो कहता है कि भारतवासी दुनिया में सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं लेकिन वो कभी किसी से खरीदते कुछ नहीं है। मतलब सीधा सा ये है कि भारत आयात कुछ नहीं करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ है भारत वो सिर्फ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट और निर्यात ही करता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था, एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे। विलियम डिग्वी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ, वो फ्रांस का हुआ, उसका नाम है फ्रांस्वा पिराड। फ्रांस्वा पिराड ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें उसने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांस्वा पिराड अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, तांबा, अन्य धातुएं, जवाहरात, लकड़ी के सामान, मूल्यवान दुर्लभ पदार्थ, ये सब इतनी ज्यादा विविधता के साथ भारत में बनती हैं जिनके वर्णन का कोई अंत नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्व की बात वो कह रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं, फ्रांस्वा पिराड अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में पिछले 3000 वर्षों से अबाधित रूप से बिना रुके हुए लगातार चल रहा है। ये बात वो 1711 में लिख रहा है और कह रहा है कि पिछले 3000 साल से भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में चल रहा है। इसका माने आप अंदाजा लगाइए, 17वीं शताब्दी में, उससे 1000 साल पहले 7वीं शताब्दी में, और उससे 1000 साल पहले, और उससे 1000 साल पहले, अगर ये पूरी गणना हम करते जाएं तो महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले, हमारे देश के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 650 वर्ष पहले भारत दुनिया के सभी देशों के बाजारों में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। 3000 साल की गिनती फ्रांस्वा पिराड ने भारत के बारे में निकाली है। फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन, वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था।
और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है। और वो कहता है हम अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के सहयोगी जातियों के लोगों ने भारत से ही कपड़ा बनाना सीखा है और पहनना भी सीखा है। फिर वो कहता है कि रोमन साम्राज्य में जितने भी राजा और रानी हुए हैं वो सभी भारत के कपड़े मंगाते रहे हैं, पहनते रहे हैं और उन्हीं से उनका जीवन चलता रहा है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार है 1750 में, उसका नाम है टेवर्निये। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भारत के वस्त्र इतने सुंदर और इतने हल्के हैं कि हाथ पर रखो तो पता ही नहीं चलता कि उनका वजन कितना है। सूत की महीन कताई मुश्किल से नजर आती है। भारत में कालीकट, ढाका, सूरत, मालवा में इतना महीन कपड़ा बनता है कि पहनने वाले का शरीर ऐसा दिखता है कि मानो वो एकदम नग्न है। माने कपड़े की बुनाई इतनी बारीक है कि अंदर का शरीर भी उसमें से दिखाई देता है। वो कहता है इतनी अद्भुत बुनाई भारत के कारीगर जो हाथ से कर सकते हैं वो दुनिया के किसी भी देश में कल्पना करना संभव नहीं है। फिर उसके बाद एक अंग्रेज है विलियम वार्ड, वो कहता है कि भारत में मलमल का उत्पादन इतना विलक्षण है, ये भारत के कारीगरों के हाथों का कमाल है। जब इस मलमल को घास पर बिछा दिया जाता है और उस पर ओस की कोई बूंद गिर जाती है तो वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ओस की बूंद में जितना पतला रंग होता है, माने जितना हल्का रंग होता है उतना ही हल्का वो कपड़ा होता है, इसलिए ओस की बूंद और कपड़ा आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। इतनी बारीक बुनाई भारत के कपड़े की है। आपने बहुत बार इतिहास में एक वाक्य सुना होगा कि भारत में बनाया हुआ कपड़ा एक छोटे से अंगूठी से रिंग में से खींचकर बाहर निकाला जा सकता था, वो 13-14 मीटर का लंबा थान होता था। वो वाक्य इसी इतिहासकार ने लिखा है जिसका नाम है विलियम वार्ड। वो ये कहता है कि भारत का 13 गज का एक लंबा कपड़ा हम चाहे तो एक छोटी सी रिंग में से पूरा खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। इतनी बारीक और इतनी महीन बुनाई भारत के कपड़े की यहां पर होती है। फिर वो कहता है कि भारत का 15 गज का लंबा थान, आप गज तो समझते ही हैं, मीटर से थोड़ा छोटा होता है। अगर 15 गज की मैं बात करूं तो वो लगभग 14 मीटर के बराबर बैठेगा। तो 14 मीटर लंबा थान या 15 गज का लंबा थान, वो कह रहा है कि उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। अब आप कल्पना करिए 15 गज का इतना बड़ा थान, उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। वो कह रहा है कि मैंने बार बार भारत के कई थानों का वजन किया है, हर एक थान का वजन 100 ग्राम से भी कम निकलता है और कुछ थान का वजन तो ग्रेन में उसने तौला है। ग्रेन एक इकाई होती है, अंग्रेजी इकाई है। जैसे हम सुनार के पास जाते हैं ना, सुनार सोने को तौलता है, तो एक तौल होती है जो 10 ग्राम की होती है और एक तौल 10 ग्राम से भी कम की होती है। तो तोला जिसको हम कहते हैं ना वो 10 ग्राम का होता है। तोला छोटी एक इकाई होती है जिसको रत्ती कहते हैं, रत्ती। तो रत्ती 10 ग्राम से भी छोटी होती है। तो वो विलियम वार्ड कह रहा है कि भारत के बहुत सारे थान को मैंने तोला तो पता चला कि उनका कुल वजन लगभग 15 से 20 रत्ती के आसपास है। इतने कम वजन के भी भारत में कपड़े बनते हैं और इतनी बारीक बुनाई भी होती है। और वो कहता है विलियम वार्ड कि हम अंग्रेजों ने तो कपड़ा बनाना सन 1780 के बाद शुरू किया है, भारत में तो पिछले 3000 साल से कपड़े का उत्पादन होता रहा है और सारी दुनिया में बिकता रहा है। एक और अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा बताऊं, थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, वो मद्रास में गवर्नर रहा है और लंबे समय तक वो गवर्नर रहा है। गवर्नर रहते समय किसी राजा ने उसको एक शॉल भेंट में दे दिया और जब उसकी नौकरी पूरी हो गई थॉमस मुनरो की, तो वो भारत से वापस लंदन चला गया। लंदन की संसद में उसने एक दिन अपना बयान दिया सन 1813 में, और वो कह रहा है कि भारत से मैं एक शॉल लेके आया, उस शॉल को मैं 7 वर्षों से उपयोग कर रहा हूं, उसको कई बार धोया है और प्रयोग किया है, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एकदम बरकरार है और उसमें कहीं कोई सिकुड़न नहीं है। मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की ऐसी क्वालिटी की शॉल बनाकर दे सके। भारत ने अपने वस्त्र उद्योग में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और भारत के वस्त्र अतुलित और अनुपमेय मानदंड के हैं।
जिसमें सारे भारतवासी रोजगार पा रहे हैं। और इस तरह से लगभग 200 इतिहासकार हैं, सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी इतिहासकार हो तो, स्कॉटिश इतिहासकार हो तो, अंग्रेज इतिहासकार हो तो, या इसके अलावा जर्मन का कोई या अमेरिका का कोई, सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में समय समय पर बहस होती रही है, तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है, और उस बहस के समय जो अंग्रेजी सांसद बात कर रहे हैं उनमें कई सारी रिपोर्ट है, कई सारे सर्वे हैं, सर्वेक्षण है, जिनका हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने रखता हूं। अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही है कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है। आप जरा भारत के भूतकाल का अंदाजा लगाइए, अतीत का जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 अरब डॉलर का उत्पादन होता हो उस जमाने में, तो 33 अरब डॉलर का उत्पादन अकेले भारत में होता है। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि सारी दुनिया में अगर 100 रुपए का माल बनता है तो 33 रुपए का माल अकेले भारत में बनता है। अब आप जरा देखिए, दुनिया में 200 देश है, 200 देशों में कुल मिलाकर उत्पादन है वो 57% है, और भारत अकेले में जो कुल उत्पादन है वो 43% है। माने सारी दुनिया के 200 देशों में से दो चार को छोड़कर एक तरफ कर दें और भारत अकेला एक तरफ हो जाए तो कई देशों का उत्पादन भारत के अकेले उत्पादन के बराबर बैठता है। इतना बेहतरीन उत्पादन करने वाला ये देश रहा है। और ये आंकड़ा सबसे पहली बार अंग्रेजों की संसद में सन 1813 में कोट किया गया। बाद में इसी आंकड़े को अंग्रेजों ने 1835 में कोट किया और 1840 में भी कोट किया। और अंग्रेजों का ये कहना है कि सन 1840 तक भारत का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे अधिक है और वो कुल दुनिया के उत्पादन का 43% है। अब मैं थोड़ी तुलना करूं तो आपको बात समझ में आएगी। आज अगर सारी दुनिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका देश का कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% है। और थोड़ा आगे बढ़े तो अमेरिका के साथ चीन नाम के देश का कुल उत्पादन पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 23% है। ये 23% और 25% चीन और अमेरिका दोनों मिल जाएं तो इनका लगभग कुल उत्पादन जो होता है उससे थोड़ा ही कम भारत का कुल उत्पादन रहा आज से लगभग 125 वर्ष पहले तक। माने आज की दुनिया में चीन और अमेरिका मिलकर जितना कुल उत्पादन करते हैं उतना उत्पादन लगभग उससे थोड़ा कम भारत करता रहा 1840 के साल तक। इतना बड़ा उत्पादक देश था भारत। फिर इसके बाद अंग्रेजों की संसद में और एक आंकड़ा भारत के बारे में कोट किया गया कि सारी दुनिया के व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 33% है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी दुनिया में जो सामान बिक रहा है, जो निर्यात हो रहा है, उसमें भारत का निर्यात लगभग 33% है। और ये आंकड़ा अंग्रेजों ने 1840 तक कोट किया है। माने सन 1840 तक सारी दुनिया के बाजार में भारत का माल 33% बिकता है। अब आप 100 रुपए का या 100 अरब डॉलर का निर्यात देखें पूरी दुनिया में तो 33 अरब डॉलर का निर्यात भारत का, 100 अरब डॉलर का उत्पादन देखें पूरी दुनिया में तो 43 अरब डॉलर का उत्पादन भारत का। और इसी तरह से और एक आंकड़ा अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में कोट किया गया, और वो आंकड़ा है कि सारी दुनिया की जो कुल आमदनी है, सकल जगत की जो कुल आमदनी है, उस आमदनी का लगभग 27% हिस्सा अकेले भारत का है। तो अब आप कल्पना करिए, दुनिया की कुल आमदनी का 27% हमारा हिस्सा, दुनिया के कुल निर्यात का 33% हमारा हिस्सा, और दुनिया के कुल उत्पादन का 43% हमारा हिस्सा। ऐसा बड़ा अद्भुत उत्पादक
निर्यातक और व्यापारी देश भारत रहा है सन 1840 तक। अब उस समय अमेरिका की बात करें तो सन 1840 में सारी दुनिया के निर्यात में अमेरिका का निर्यात जो है वो 1% से कम है। सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन का निर्यात सन 1840 तक 0.5% से कम है, और पूरे यूरोप का और अमेरिका का निर्यात इकट्ठा कर दिया जाए तो सन 1840 तक सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के सभी देशों को जोड़ दें तो 3-4% से ज्यादा निर्यात उनका नहीं निकलता है। तो एक तरफ यूरोप और अमेरिका है और एक तरफ अकेला भारत है। उनके 27 देशों को इकट्ठा करें यूरोप और अमेरिका मिलाकर तो 3-4% निर्यात कर रहे हैं। अकेले भारत उस समय 33% निर्यात कर रहा है, और ये 27 देशों को इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप और अमेरिका के साथ तो उनका कुल उत्पादन दुनिया में 10-12% है और भारत का उत्पादन 43% है। और ये 27 देशों को अमेरिका के साथ इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप के तो उनकी कुल आमदनी दुनिया की आमदनी में 4-4.5% है और भारत की कुल आमदनी 27% है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा अद्भुत उत्पादन करने वाला, कितना विशाल दुनिया के बाजार में निर्यात करने वाला देश ये भारत रहा। थोड़ा आगे बढ़ता हूं और भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी तकनीकी और विज्ञान की बातें और थोड़ी सी कृषि व्यवस्था की बातें कर लेना चाहता हूं। उद्योगों के साथ साथ इस देश में विज्ञान और तकनीकी का भी बहुत विकास हुआ है, और हमारे अतीत के भारत की विज्ञान और तकनीकी के बारे में दुनिया भर के बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ऐसा ही एक अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. Littner, वो भारत में काफी लंबे समय तक रहा है, और एक दूसरा अंग्रेज जिसका नाम थोड़ी देर पहले मैंने लिया थॉमस मुनरो, ये भी भारत में काफी दिनों तक रहा। ये दोनों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा काम किया है। एक और अंग्रेज है उसका नाम है पेंडरकास्ट, उसने भारत की टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर बहुत ज्यादा काम किया है। और एक अंग्रेज है कैम्पवेल करके, उसने भी भारत की विज्ञान और तकनीकी पर बहुत ज्यादा काम किया। कैम्पवेल का एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं, वो ये कहता है जिस देश में उत्पादन सबसे अधिक होता है ये तभी संभव है जब उस देश में कारखाने हो, और कारखाने किसी देश में तभी संभव है जब वहां पर कोई तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, और टेक्नोलॉजी किसी देश में तभी संभव है जब वहां पर विज्ञान हो, और विज्ञान किसी देश में मूल रूप से शोध के लिए अगर प्रस्तुत है तभी उसमें से तकनीकी का निर्माण होता है। मतलब इस वाक्य को सरल तरीके से हम समझें कि मूल विज्ञान होता है जिसको हम आज की अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल साइंस कहते हैं, फिर उसमें से एप्लाइड साइंस निकलता है, वो प्रायोगिक विज्ञान होता है, और उस प्रायोगिक विज्ञान में से तकनीकी निकलती है, और उस तकनीकी में से कारखाने निकलते हैं, और उन कारखानों से फिर उत्पादन होता है, और वो उत्पादन फिर सारी दुनिया में बिकता है। तो ये बात अगर कैम्पवेल कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी हजारों साल से रही है तो कारखाने भी रहे होंगे, तो उसके बारे में जब खोज की गई तो पता चला कि 18वीं शताब्दी तक इस देश में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है स्टील बनाने की जो दुनिया में कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैम्पवेल, वो ये कहता है कि भारत का बनाया हुआ लोहा, भारत का बनाया हुआ इस्पात सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैम्पवेल सन 1842 में कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंग्लैंड और पूरे यूरोप में अच्छे से अच्छी जो स्टील बन रही है वो भारत की घटिया से घटिया स्टील का भी मुकाबला नहीं कर सकती। माने भारत की घटिया से घटिया स्टील भी इंग्लैंड और यूरोप की अच्छे से अच्छी स्टील से अच्छी है। उसके बाद एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है, बहुत बड़ा
उसको जो है धातुकर्मी विशेषज्ञ माना जाता है, वो ये कहता है कि भारत का स्टील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यूरोप में सबसे अच्छा स्टील इस समय बनता है स्वीडन में, लेकिन भारत का स्टील उससे कई गुना अच्छा है। भारत के कारीगर स्टील को बनाने के लिए जो भट्टियां तैयार करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, वह दुनिया में कोई नहीं बना पाता। वो कहता है कि इंग्लैंड में लोहा बनाना तो हमने 1825 के बाद शुरू किया, भारत में तो लोहा 10वीं शताब्दी से ही हजारों हजारों टन में बनता रहा है और दुनिया के देशों में बिकता रहा है। वो ये कहता है कि मैं 1764 में भारत से स्टील का एक नमूना लेके आया था। मैंने इंग्लैंड के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर स्कॉट को स्टील दिया था और उनको ये कहा था कि लंदन रॉयल सोसाइटी की तरफ से आप इसकी जांच कराइए। डॉक्टर स्कॉट ने भारत की उस स्टील की जांच कराई तो कहा कि ये भारत का स्टील इतना अच्छा है कि सर्जरी के लिए बनाए जाने वाले सारे उपकरण इससे बनाए जा सकते हैं जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास उपलब्ध नहीं। आप जानते हैं सर्जरी के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं, चाकू बनाए जाते हैं, छुरियां बनाई जाती हैं, कैंचियां बनाई जाती हैं, टांका लगाने के लिए सुई बनाई जाती है, ऐसे 100 से ज्यादा उपकरण सर्जरी के लिए बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर स्कॉट कह रहे हैं इस बात को 1764 में कि दुनिया में किसी भी देश के पास सर्जरी के लायक बनाने वाला स्टील नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन भारत का स्टील जो मेरे पास आया है ये इतना अद्भुत है कि इससे सर्जरी के सारे उपकरण हम बना सकते हैं। फिर वो अंत में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये स्टील हम पानी में भी डाल के रखें तो इसमें कभी जंग नहीं लगेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। आप जानते हैं कि लोहा या स्टील दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो थोड़ी देर के लिए भी पानी के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए तो सबसे पहले उसमें जंग लगती है, जिसको हम सब लोग अंग्रेजी में रस्टिंग कहते हैं। लेकिन स्कॉट कह रहा है भारत के स्टील के बारे में कि मुझे लगता है कि इसको पानी में भी डाल के रखें तो बिल्कुल जंग नहीं लगेगी, इस क्वालिटी का स्टील भारत में बन रहा है। अब इसके थोड़ा आगे चलूं, अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर, उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है, स्टील है, ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है। और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी उपलब्धि नहीं रही है। फिर वो कहता है कि भारत इतना विशाल देश है, इसमें लगभग 2,00,000 गांव हैं, इन 2,00,000 गांव को समुद्र के किनारे स्थापित हुआ माना जाता है, इन सभी गांवों में जहाज बनाने का काम पिछले हजारों वर्षों से चलता है। वो ये कहता है कि हम अंग्रेज लोगों को जहाज खरीदना हो तो हम भारत में जाते हैं और वहां से जहाज खरीद कर लाते हैं। फिर वो अपने आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पानी के जहाज दुनिया में चल रहे हैं, ये सारे के सारे जहाज भारत की स्टील से बने हुए हैं। ये बात मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम अंग्रेज अभी तक इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना नहीं शुरू कर पाए। फिर वो कहता है कि भारत का कोई पानी का जहाज जो 50 साल चल चुका है पानी में, उसको अगर हम खरीद लें अंग्रेज और खरीदने के बाद उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाएं तो 50 साल तो वो भारत में चल चुका है, हमारे यहां आने के बाद भी वो 20-25 साल और चल जाता है। इतनी मजबूत पानी के जहाज बनाने की कला और टेक्नोलॉजी भारत के कारीगरों के हाथ में है। और फिर वो कहता है कि हम जितने धन में एक नया पानी का जहाज बनाते हैं, उतने ही धन में भारतवासी 4 नए जहाज पानी के बना लेते हैं। फिर वो अंत में कहता है कि हम भारत में पुराने पानी के जहाज खरीदें और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाएं, यही हमारे लिए अच्छा है। नया जहाज बनाकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया नहीं कर सकते हैं, उसके पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब उसका कहने का ये है कि भारत का पुराने से पुराना पानी का जहाज अंग्रेजों के नए से नए पानी के जहाज से भी अच्छा माना जाता है क्योंकि स्टील की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है। और इसी तरह से वो कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी के लेवल पर ईंट बनती है,
ईंट से ईंट को जोड़ने का चूना बनता है, और उसके अलावा भारत में 36 तरह के दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं। ये सभी उद्योगों में भारत दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए हमें भारत से व्यापार करके ये सब तकनीकी लेनी है और इस तकनीकी को इंग्लैंड में लाकर फिर से उसको रिप्रोड्यूस करना है, पुनरुत्पादित करना है। तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में एक दो नहीं बीसियों अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी शाखा है वो खगोल विज्ञान है, दूसरी बड़ी शाखा है वो नक्षत्र विज्ञान है, तीसरी बड़ी शाखा है बर्फ बनाने का विज्ञान है, चौथी बड़ी शाखा है और ऐसी करके धातु विज्ञान है, फिर उसके बाद भवन निर्माण के विज्ञान की है। तो ऐसी 20 तरह की वैज्ञानिक शाखाएं पूरे भारत में है, और वॉकर लिख रहा है इस बात को कि भारत में ये जो विज्ञान की ऊंचाई है वो कितनी अधिक है इसका अंदाजा हम अंग्रेजों को नहीं लगता। एक बात आप सभी जानते हैं वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है, और उस कॉपरनिकस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया, फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है। वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। आप जानते हैं हमारे वेदों में, यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुनके हैरानी होगी कि कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था, और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आप हैरान हो जाएंगे, कॉपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी, और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। और आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो खगोल विज्ञान है ना, ये बहुत गहरा रहा है और इसी पर से नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ है। ये खगोल विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने ही दिन और रात कितने बड़े होंगे, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, 14 घंटे का दिन होगा, या 10 घंटे की रात होगी, या 10 घंटे का दिन होगा, 14 घंटे की रात होगी, सर्दियों में अलग होगी, गर्मियों में अलग होगी, बरसात में कैसी होगी, ये सारे के सारे आंकड़े दिन और रात के समय के, ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निकाले गए हैं और सारी दुनिया में उनका प्रचार और प्रसार हुआ है। हम अभी दिन की गणना करते हैं कि आज हमारा दिन रविवार है, दूसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन मंगलवार है, चौथा दिन बुधवार है, पांचवा दिन गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ये जो दिनों की हम गिनती करते हैं और इनके जो नाम हमने रखे हुए हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, आपको शायद ये मालूम होगा, नहीं तो मैं कहना चाहता हूं ये सारे दिनों का नामकरण और इनकी अवधि पूरी की पूरी महान महर्षि आर्यभट्ट की निकाली हुई है और उनके द्वारा ये दिन तय किए हुए।
और आपको सुनकर और हैरानी होगी, अंग्रेज जो खगोल शास्त्री हैं और अंग्रेज जो नक्षत्र विज्ञानी हैं, वो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि भारत का रवि सोम मंगल बुध ही हमने ले लिया है और उसी को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर दिया है। ये सब कुछ भारत से उधार लिया हुआ है। और आपको एक रोचक बात बताऊं, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भी। यह बात सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की थी 10वीं शताब्दी में। और पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, मौसम और जलवायु बदलते हैं, यह बात भी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हुई है सारी दुनिया में। तो भारत के वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्र में, नक्षत्र विज्ञान में जबरदस्त काम किया है। सूर्य है, सूर्य के कितने उपग्रह हैं और उन उपग्रहों का सूर्य के साथ अंतर संबंध क्या है, यह सारी खोज भारत में 3री शताब्दी के आसपास की है। जब दुनिया में कोई पढ़ना लिखना भी नहीं जानता होगा, उस समय भारत में यह खोज चलती रही है कि सूर्य क्या है, सूर्य के उपग्रह क्या है, उनके आपस के अंतर संबंध क्या है। तो खगोल शास्त्र की, नक्षत्र विज्ञान की विद्या बहुत अद्भुत और बहुत ऊंची है। एक अंग्रेज है, उसका नाम है डेनियल डिफो। वो ये कहता है कि ये भारत के वैज्ञानिक कितने ज्यादा पक्के हैं गणित में कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ठीक ठीक पता बता देते हैं सालों पहले। आज के दिन चंद्र ग्रहण होगा, आज के दिन सूर्य ग्रहण होगा और इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, ये भारत के वैज्ञानिक कई कई साल पहले बता देते हैं। 1708 के समय ये लंदन की संसद में कह रहा है कि मैंने भारत का पंचांग जब भी पढ़ा है, मुझे एक प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला कि भारत के ऋषि महर्षि वैज्ञानिक कई कई साल पहले कैसे पता लगा लेते हैं कि आज चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस समय पर पड़ेगा और सही सही वही समय पर पड़ता है। इसका माने भारत के वैज्ञानिकों की नक्षत्रों के बारे में, खगोल विद्या के बारे में बहुत गहरी गहरी रिसर्च है, शोध है, ये इसी के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह का भारत है। और एक दो जानकारी दूं शिक्षा के बारे में कि भारत का अतीत अगर हमें अच्छे से समझना है तो भारत की शिक्षा को समझना पड़ेगा। तो भारतीय शिक्षा के बारे में सबसे पहला एक प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक जर्मन दार्शनिक हुआ, उसका नाम है मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है। और वो ये कहता है कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हूं, शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी जो भारत में है। और भारत के बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर एक आंकड़ा दे रहा है कि भारत का जो बंगाल राज्य है, बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत आप जानते हैं भारत का एक प्रांत है। और ये जब बंगाल की जो वो बात मैक्स मूलर कह रहा है, वो बंगाल है जिसमें पूरा बिहार है, आधा उड़ीसा है, आज का पूरा पश्चिम बंगाल है और आसाम है, और आसाम के ऊपर के छोटे छोटे 7 प्रदेश हैं। इस बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर कह रहा है कि मेरी जानकारी में 80,000 से अधिक गुरुकुल पूरे बंगाल में सफलता के साथ पिछले हजारों साल से चल रहे हैं। 80,000 गुरुकुल, ये मैक्स मूलर ने गिनती करवाई है, और सिर्फ एक राज्य के बारे में, एक राज्य है बंगाल। इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान है, शिक्षा शास्त्री है, उसका नाम है लुडलो। और लुडलो आता है भारत में और करीब 16-17 साल रहता है इस देश में, और 16-17 साल रहकर भारत में घूमा है। घूमने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उसने सर्वेक्षण किया है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक गुरुकुल नहीं है। कम से कम माने हर गांव में कम एक गुरुकुल तो है ही, एक से भी ज्यादा है। फिर आगे वो कह रहा है कि भारत के बच्चे एक भी ऐसे नहीं है जो गुरुकुल में ना जाते हो पढ़ाई के लिए, माने सभी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये लुडलो किस समय की बात कर रहा है? ये लुडलो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. लिटनर। वो ये कहता है कि मैंने भारत के उत्तर वाले इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया है शिक्षा का, और मेरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। भारत में 200 लोगों पर
एक गुरुकुल चलता है, पूरे उत्तर भारत की रिपोर्ट में वो ये निष्कर्ष दे रहा है। अब उत्तर भारत का मतलब क्या है? आज का पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा पंजाब, आज का पूरा हरियाणा, आज का पूरा जम्मू कश्मीर, आज का पूरा हिमाचल प्रदेश, आज का पूरा उत्तर प्रदेश और आज का पूरा उत्तराखंड, ये सारा इलाका मिलकर उत्तर भारत है। और उत्तर भारत के बारे में लिटनर की रिपोर्ट है सन 1822 की, उसमें वो कहता है कि 200 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल पूरे उत्तर भारत में है। और इसी तरह से थॉमस मुनरो की रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में 400 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है। अब ये उत्तर और दक्षिण को मिला दिया जाए तो सारे भारत के बारे में औसत निकाला जाए तो ये औसत निकलता है 300 लोगों पर कम से कम एक गुरुकुल भारत में है। और जिस जमाने में ये सर्वेक्षण हुआ है उस जमाने में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो 20 करोड़ की जनसंख्या में 300 लोगों पर अगर एक गुरुकुल आप निकालेंगे तो कुल 20 करोड़ लोगों के ऊपर लगभग 7,32,000 के आसपास गुरुकुल निकलते हैं। माने संपूर्ण भारत देश में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हैं 1822 के आसपास के ये आंकड़े हैं। इसका मतलब क्या है? आप और इस बात को हैरानी से समझने की कोशिश करिए कि सन 1822 में भारत में 7,32,000 अगर गुरुकुल हैं तो गांव कितने हैं? तो आपको मालूम है अंग्रेज 10-10 वर्ष में भारत की जनसंख्या का सर्वेक्षण करते रहते थे। तो उस जमाने के सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में कुल गांवों की संख्या भी लगभग 7,32,000 ही है। माने जितने गांव हैं उतने ही गुरुकुल इस देश में हैं। माने हर गांव में पढ़ने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। आज की भाषा में कहें तो कम से कम एक स्कूल हर गांव में है। इसी रिपोर्ट में आगे चले तो और एक अद्भुत बात पता चलती है कि सन 1822 में भारत में तो हर गांव में एक स्कूल है। तो इंग्लैंड की जरा बात करें, यूरोप की जरा बात करें कि वहां कितने स्कूल हैं और वहां कितने गांव में कितने स्कूल हैं, कितनी आबादी पे कितना स्कूल है। तो अंग्रेजों के इतिहास के बारे में पता चलता है कि सन 1868 तक तो पूरे इंग्लैंड में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी स्कूल नहीं था 1868 तक। और हमारे यहां 1822 तक पूरे भारत देश में हर गांव में एक गुरुकुल था सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों से बहुत 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 आगे थी। और इसी D.W. लिटनर की रिपोर्ट में मैं आपसे आगे कहूं, लिटनर कहता है कि संपूर्ण भारत देश में 97% साक्षरता की दर है। माने 97% भारतवासी सुशिक्षित है, साक्षर है। सिर्फ 3% भारतवासी हैं जिनको पढ़ने का कोई मौका शायद जीवन में नहीं मिला है। तो 97% साक्षरता है हमारे देश में। अब अगर आज के भारत की बात करें, 2009 के भारत की बात करें, तो आपको मालूम है इस समय भारत में साक्षरता की दर पूरी ताकत लगा के, जब भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ऊपर से नीचे तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब हमारे देश में साक्षरता की दर मात्र 50% पहुंच पाई है। और 1822 में हमारी साक्षरता की दर 97% रही है। इसका माने हमारी शिक्षा व्यवस्था आज जो है इससे कई गुना अच्छी अंग्रेजों से पहले इस देश में रही है। फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक और अद्भुत बात है जो सारी दुनिया के लिए जानने योग्य है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि ये सभी जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों को चलाने के लिए कभी भी किसी राजा से कोई दान और अनुदान नहीं लिया जाता। 7,32,000 गुरुकुल इस देश में चलते हैं और किसी राजा से एक पैसा नहीं लिया जाता। ये सारे गुरुकुल समाज के द्वारा चलाए जाते हैं। आप बोलेंगे समाज के द्वारा कैसे चलते हैं? हमारे गांव गांव में जहां जहां गुरुकुल रहे हैं वहां समाज के लोगों ने गुरुकुल के लिए भूमि दान कर रखी है और उस भूमि पर जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की आय से गुरुकुल आराम से चलता है। जरूरत पड़े तो गांव के लोग गुरुकुल के लिए दान इकट्ठा करते हैं और गुरुकुल उसका उपयोग करता है। तो सारे भारत के गुरुकुल साधारण लोगों के दान के पैसे से चलते हैं, राजा के पैसे से इस देश में एक भी गुरुकुल नहीं चलता है। ये सबसे महत्व की बात है जो सारी दुनिया को जानने के लिए है। इसके अलावा
भारत के गुरुकुलों में समय क्या है पढ़ाई का, तो सूर्योदय से सूर्यास्त का ये समय है पढ़ाई का। हमारे यहाँ आजकल के जो स्कूल चलते हैं वहां का समय है सवेरे 10 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक, लेकिन हमारे प्राचीन गुरुकुलों में जो समय है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, तो उनमें वो 18 विषय पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं जिसको वैदिक गणित कहा जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़ते हैं, धातु विज्ञान पढ़ते हैं जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे लगभग 18 विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा, कई लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि भारत में गुरुकुल माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी और वेद और उपनिषद पढ़ा दिए जाते होंगे, लेकिन यहां दस्तावेज बताते हैं कि भारत में सभी गुरुकुलों में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है माध्यम के लिए, और वेद पढ़ाए जाते हैं और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों में संस्कार देने के लिए, लेकिन विद्या देने के लिए खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, धातु कला और फिर शौर्य विज्ञान माने सैन्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, इस तरह के 18 विषय अलग अलग विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। फिर इन गुरुकुलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है, तो एक अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है, उसका नाम है पेंडरगास्ट। वो कहता है कि जब कोई बच्चा भारत में 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, बस उसी दिन उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है। 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, उसी दिन बच्चे का प्रवेश गुरुकुल में हो जाता है, और लगातार 14 वर्ष तक वो गुरुकुल में पढ़ता है और 14 वर्ष की शिक्षा पूरी करके वो गुरुकुल से बाहर निकलता है तो एक संपूर्ण मानव बन के निकलता है, और वो जिम्मेदारी परिवार की उठा सकता है, समाज की उठा सकता है और देश की उठा सकता है। और पेंडरगास्ट कहता है कि शिक्षा भारत में इतनी आसान है कि गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला हो, सबके लिए शिक्षा समान है। आज इस भारत देश में 2009 में भारत सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद लगभग 13,500 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर, और 450 विश्वविद्यालय हैं, निजी और सरकारी दोनों मिलाकर 13,500 कॉलेजेस हैं और 450 विश्वविद्यालय हैं, जब लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया है। अब मैं आपको 1822 के बारे में जानकारी देता हूं कि 1822 में अकेले मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रेसिडेंसी उसको कहा जाता है, अकेले मद्रास प्रांत में 1822 में 11,575 कॉलेजेस रहे हैं और 109 विश्वविद्यालय रहे हैं अकेले मद्रास प्रांत में। और फिर मद्रास प्रांत के बाद ऐसे ही मुंबई प्रांत है, और फिर मुंबई प्रांत के बाद ऐसे ही पंजाब प्रांत है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। ये चारों स्थानों को मिला दिया जाए तो भारत में लगभग 14,000 से भी ऊपर कॉलेजेस रहे हैं और लगभग 500 से 525 के बीच में विश्वविद्यालय रहे हैं। अब विश्वविद्यालय आज से ज्यादा, कॉलेजेस भी आज से ज्यादा, सन 1822 में भारत की यह स्थिति है। माने उच्च शिक्षा भारत में अद्भुत रही है अंग्रेजों के आने के पहले तक। माध्यमिक शिक्षा तो अद्भुत है ही, प्राथमिक शिक्षा भी बहुत अद्भुत है, लेकिन उच्च शिक्षा भी इस देश में अद्भुत है। और इन कॉलेजेस में विशेष रूप से जो कॉलेजेस रहे हैं, अभियांत्रिकी के अलग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के अलग कॉलेजेस हैं, सर्जरी के अलग कॉलेज हैं, मेडिसिन के अलग कॉलेज हैं, जिनको आज हम कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज अलग है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस अलग है, ये तो भारत में 1822 में भी है। सर्जरी के विश्वविद्यालय अलग है, और ये हमारे चिकित्सा विज्ञान में जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं इसके विश्वविद्यालय अलग हैं, और मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय अलग हैं। ये पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत के विद्यार्थियों की व्यवस्था यहाँ पर है। हमने सुना है तक्षशिला एक विश्वविद्यालय कभी होता था, हमने सुना है कभी नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय होता था। ये तक्षशिला नालंदा तो दो नाम है, ऐसे तो 500 से ज्यादा विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत देश में हमारे आज से लगभग 150-200 साल तक रहे हैं। तक्षशिला नालंदा तो आज से 2500 साल पहले की कहानी है।
लेकिन 150 पौने 200 साल पहले के भारत में 125 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और 14,000 के आसपास डिग्री कॉलेजेस हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में भारत अद्भुत है पूरी दुनिया। आपको एक हंसी की बात मैं कहूं, वो ये कि पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए इंग्लैंड में आई और वो सन 1868 में आई। इसका माने यूरोप के देशों में तो उसके और बाद में आई। तो आप बोलेंगे 1868 के पहले इंग्लैंड में स्कूल नहीं थे। स्कूल नहीं थे, ये बात को सही तरह से समझना है। राजाओं के जो बच्चे होते थे, राजाओं के जो अधिकारी होते थे, उन्हीं के लिए स्कूल होते थे और वो राजाओं के महल में चला करते थे। वो सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चला करते थे और साधारण लोगों को उनमें प्रवेश भी नहीं था। इंग्लैंड और यूरोप में ये माना जाता था कि शिक्षा जो है वो विशेषज्ञों के लिए है और राजा विशेषज्ञ है, तो राजा को शिक्षा है, उसके बच्चों को शिक्षा है, उसके अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा है, आम आदमी को शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो यूरोप के दार्शनिक कहते हैं कि आम आदमी को तो गुलाम बन के रहना है, उसको शिक्षित होने से फायदा क्या है। दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है अरस्तु और उससे भी बड़ा माना जाता है सुकरात। अरस्तु और सुकरात दोनों कहते हैं कि सामान्य लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा सिर्फ राजा के बच्चों को और अधिकारियों के बच्चों को ही देनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है, आम बच्चों के लिए नहीं है। जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है, शिक्षा आम बच्चों के लिए है, साधारण बच्चों के लिए है, वो गरीब हो या अमीर हो। ऐसी अद्भुत शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में रही है। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सबका नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल, इनका कत्ल कराओ, और सबसे पहला कत्लखाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्लखाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहां पैदा हुई वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते, तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता, चिकित्सा में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती।
कोरस डस्टलेस चॉप, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। सर्दी, सरदर्द और बदन दर्द साधारण बाम की छुट्टी कर देते हैं। पेश है कायम केसर बाम, जिसमें है केसर के गुण। दम केले। सर्दी, सरदर्द और बदन दर्द खलास। कायम केसर बाम, भारत की नंबर वन पूजा पाठ डीलक्स धूपबत्ती, अब पांच नई सनसनाती खुशबू में। मोगरा, गुलाब, चंदन, मस्क और लेवेंडर, मंद मंद सुगंध सब करे पसंद। पूजा पाठ डीलक्स धूपबत्ती। क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? रियोमेड टैबलेट और जेल इस्तेमाल करें और फर्क देखें। एक्सेंस होम्योपैथी। रूपा फर्मिका, बुरा ना मानिए, इनको प्यार आपसे तो है, बस हेल्थ के चक्कर में अब खाने से प्यार नहीं रहा, इसीलिए अपना ये नया जेपी शारदा ऑयल। ये बना है फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट से और है इतना हेल्दी कि हो जाए खाने से प्यार फिर से। जेपी शारदा ऑयल। श्री गोवर्धन धाम के कार्तिक मास के पावन अवसर पर सद्गुरु आचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज एवं सद्गुरु श्री भूति करते हुए उनका मार्ग मर्दन करने से भी पीछे नहीं रहे थे, इसलिए सनातन संस्कृति शांति सद्भाव आपसी भाईचारा एकता अखंडता का संदेश पुरातन काल से दे रही थी।